सो जस्ट एज इट सेज देयर और जैसे वहां पर बताया गया है, द टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज जस्ट एज आई एम. और जो इस गीत का शीर्षक है वो है जैसा मैं हूँ वैसा हूँ, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स और ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गीत है. रिटन बाई लेडी कॉल्ड शार्लेट एलियट. यू कैन सी हर पिक्चर देयर. ये गीत जो है एक शार्लेट एलियट नाम की एक स्त्री ने लिखा है, उसका चित्र आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं. And those of us who heard about a famous evangelist called Billy Graham. और आप में से अगर किसी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो सुसमाचारक थे उनके बारे में अगर सुना है, उनका नाम है बिली ग्राहम, Would remember the song. और तब आपको इस गीत के बारे में याद आएगा. Almost at the end of every message that he spoke in his crusade, this would be the last song that would be sung. और बिली ग्राहम के क्रूसेड में, उस जो भी उनकी सब क्रूसेड हुआ करते थे, उस सभा के अंत में ये गीत को ज्यादातर यही गीत को गाया जाता था अंत में. And I remember when I attended the Billy Graham Crusade in India in a place called Madras. Now it's called Chennai. और मुझे याद है जब मैंने भारत में बिली ग्राहम का एक क्रूसेड, मैंने भी उस सभा में भागी हुई थी, और वो मद्रास नाम की एक जगह जो आज के दिन में चेन्नई कहलाया जाता है भारत में, वहाँ पर मैंने उसमें शामिल हुई थी. It was 1956. और ये 1956 की बात है, So many years back. बहुत वर्षों पहले की बात है, But I remember so vividly. लेकिन अभी भी मुझे तरोताजा रूप से याद है. While the song was being sung, और जहाँ जब वो गीत ये गीत वहां पर गाया जा रहा था, hundreds of people went forward and knelt down or stood at the front of the podium and gave their life to Jesus, made the decision to give their life to Jesus. और जब ये गीत गाया जा रहा था उस समय बहुत सारे लोग, 100 से भी अधिक लोग जो है वो आगे जाकर उस स्टेज के करीब जाकर अपने आप को समर्पण करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए अपना जीवन उन्होंने वो प्रभु को उन्होंने दिया. And every time I hear that song, I feel that there's an anointing in that song. और जब कभी मैंने इस गीत को सुना, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इस गीत में अभिषेक है. And recently I looked up about that song and read about this और हाल ही में मैंने इस गीत को सुना और इसके विषय में पढ़ा, precious dear lady who wrote that song. और ये बहुत ही बहुमूल्य एक स्त्री जो है, प्रिय स्त्री, इसने इस गीत को लिखा है. She lived in England 1789 to 1871. और वो इंग्लैंड नाम के देश में रहती थी, और वो 1789 से लेकर 1871 इस समय के शताब्दी के बीच में वो जिया करती थी. She was a very highly educated, refined English lady. और वो एक बहुत ही उच्च स्तर का शिक्षण पाई हुई एक स्त्री थी वो, From a godly family, और बहुत ही ईश्वरीय परिवार से वो स्त्री थी, and she had a godly heritage. और उसके पास एक ईश्वरीय एक विरासत थी, She loved poetry. She used to compose poems. और उसको कविताएं बहुत पसंद थी, और वो कविताओं को लिखती थी, उनको धुन देती थी, And music, and she was an artist. और वो एक गीत बहुत पसंद करती थी, म्यूजिक उसको पसंद था, संगीत बहुत पसंद था, और वो एक आर्टिस्ट थी, एक कलाकार थी, She used to draw portraits of people, और वो लोगों के चित्र को बनाती थी, and she loved botany, all about plants. और वो जो पौधे होते हैं उसके विषय में उसको पसंद था, वो पौधे लगाया करती थी. And she moved about in an elite, high society in England. और एलिट नाम के एक जगह में, जो लोगों के बीच में एक जो बहुत ही उच्च जो समाज है उसके बीच में, वो वहाँ पर जाकर रहने लगी, और वहाँ पर ही वो स्थायी हो गई. But there was no religion in her life. लेकिन उसके जीवन में आत्मिकता या धार्मिकता कुछ नहीं थी. All her friends were just good people, but there was no Christ or no nothing about God in her. और उसके जो मित्र सहेलियां थी, वो लोग अच्छे तो थे, लेकिन उनके अंदर यीशु मसीह नहीं था, या यीशु के बारे में कुछ पता नहीं था. Life. And she was the third child in a family of six children.
और वो अपने परिवार के अंदर 6 बच्चों के बीच में तीसरा नंबर की बेटी थी। When she was about 32 years old, she became very sick. और जब वो 32 साल की हुई तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। And her sickness never left her. She had ups and downs about that sickness. और उसकी जो बीमारी है उसने उसको छोड़ा नहीं, वो उसके बीमारी के बीच में उतार चढ़ाव होते रहे। And sometimes it'd be worse. Sometimes there'd be some remission. और कई बार ऐसा होता था कि वो बीमारी बहुत बदतर हो जाती थी और कई बार वो बीमारी में उसको थोड़ा विश्राम मिलता था या आराम मिलता था। At that time, her father's good friend, a man called Caesar Millan, visited their home. और सीजम आइलैंड नाम का एक व्यक्ति जो है, जो इस स्त्री का स्त्री के पिताजी का मित्र था, एक दिन वो इनके घर पर आया मुलाकात करने। And he talked to her और फिर उस व्यक्ति ने इससे बात की and said, "Are you at peace with God?" और उसने ये प्रश्न किया इस स्त्री से, क्या तेरा परमेश्वर के साथ, तेरे और परमेश्वर के बीच में शांति है? She didn't like that. और ये चीज उसको पसंद नहीं आई। She resented it, and for a whole day she didn't talk to him or anybody about it. और उसने इसको नकारा और फिर इस चीज के विषय में किसी से उसने कोई बातचीत नहीं की इस बारे में। A few days later, she called him and she said, "I want to cleanse myself." और कुछ दिन के बाद उसी आदमी को उन्होंने फोन किया और कहा कि मुझे मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। I feel I am unworthy of God's grace, and I am unable to cut myself off. और वो कहती है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लायक नहीं हूँ और हमेशा मैं अपने आप को दूर करती हूँ, From sin's enticements. जो पाप की, जो लुभाने वाली जो चीजें हैं, हमें फंसाने वाली जो चीजें हैं उसके विषय में। And she became aware of her unworthiness and her sinful nature. और फिर वो अपने अयोग्यता से परिचित हो गई और अपने पापी स्वभाव से भी परिचित हो गई। Then that Malin, that gentleman, her father's friend, replied and said, "You cut off the cables of your drifting ship." और वो जो व्यक्ति था, जो उसके पिता का मित्र था मैलिन नाम का, उन्होंने उसको ऐसे कहा कि जो तुम्हें हिलाने वाली या तुमको वहाँ से हटाने वाली जो चीज़ें हैं तुम्हारे जीवन में, उसको आपको दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। The wind of the Holy Spirit blows. और पवित्र आत्मा की हवा मानो बहती है। The ocean of eternity is before you. और जो अनंत काल का जो महासागर है वो तेरे सामने मौजूद है। Come just as you are. और आज जैसे भी तू है वैसे ही तू परमेश्वर के पास आ जा। That spoke to her. और वो चीज ने उससे बहुत बात की। She said yes. And that day in was her spiritual birthday. और वो दिन उसका आत्मिक एक बर्थडे था, जन्मदिन था मानो। 1822, someday the day. और 1822 के समय। It is there. And from that time, there was a change in her life. और उस दिन के बाद उसके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया। She came just as she was to Jesus. और वो जैसी भी है वैसे ही वो यीशु के पास आई। And although physically she didn't get healed, और हालांकि अपने शारीरिक रूप से वो चंगी तो नहीं हुई, she had her sickness which was always with her. और उसकी जो बीमारी थी वो हमेशा सदा उसके साथ बनी रही। But spiritually she rose up. लेकिन आत्मिक तौर पर वो मानो उठ खड़ी हो गई। On wings, she became, जैसे मानो पंखों से उड़ने लगी। Became so godly and she wrote a lot of poems and hymns. और फिर वो बहुत ही ज्यादा ईश्वरीय एक स्त्री बन गई और उसने बहुत सारे गीतों को और बहुत सारी कविताओं को लिखा, Which have been a blessing to many. और जिस जो है बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना। And one great thing about her, she always wanted to remain unknown, anonymous. Most of her poems were anonymous poems. और एक बहुत अच्छी बात थी स्त्री के विषय में कि वो हमेशा एक एक छिपी हुई व्यक्ति होना चाहती थी, वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध नहीं होना चाहती थी। और जितने भी उसकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं या गीत हैं जिसमें पता भी नहीं है कि उसने लिखा है, ये बहुत लोगों को पता नहीं था। Her father died. और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। And then she took over her father's editorial and she wrote lot of publications.
और फिर उसके पिताजी का जो एडिटोरियल था उसका वो, उसको वो चलाने लगी। और फिर उसने बहुत सारे जो ऐसे खबरें लिख या ऐसी चीज़ें लिखी जाती है जो लोगों के लिए लिखी जाती है, उस चीज़ को उसने लिखा। अबाउट क्रिश्चियन लाइफ पोएट्री स्पेशली और वो ज़्यादातर मसीह जीवन के विषय में और कविता है ये चीज़। एंड शी हैड बुक कॉल्ड हैंडबुक ऑफ हिम्स। और उसके पास एक किताब थी जो अंग्रेजी में हैंड बुक ऑफ हिम, यानी कि गीतों की पुस्तक को, हाथ में पकड़ने वाले गीतों की पुस्तक। इनवेलिड्स हैंडबुक ऑफ हिम्स एंड पोएम्स। और ऐसी पुस्तक थी जिसमें बहुत सारे कविताएं थी और गीत थे, And she wrote lot of poems in that. और उसने उसके अंदर बहुत सारी कविताओं को लिखा। And as the years went by, she became weaker. और जैसे जैसे साल बीतने लग गए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, निर्बल हो गई, And she couldn't go to church. और वो चर्च कलीसिया में नहीं जा पाती थी, And she had to stay at home. और फिर उसको घर पर ही रहना पड़ता था। And that reminded me of the days that we are going through now. और ये इस चीज़ की मुझे याद दिलाता है कि जिस जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं, But in her case, she had to stay at home because of her sickness. लेकिन उसके विषय में उसको घर पर इसलिए रहना पड़ता था क्योंकि उसको बीमारी थी। And she wrote this, "My Bible is my church." और फिर उसने इस चीज़ को लिखा कि मेरा जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, वो मेरा मेरी कलीसिया है, It's always open. क्योंकि ये हमेशा खुली रहती है, There, my high priest is waiting for me. और वहाँ पर मेरा महायाजक मेरे लिए इंतज़ार करता है। There I can have my thanksgiving, I can have my confession. और वहाँ पर मेरी अपनी धन्यवाद देना मेरा आरंभ रहेगा, और वहाँ पर मैं अपनी कबूली दे सकती हूँ, And I can pray. और मैं वहाँ पर प्रार्थना कर सकती हूँ, And the congregation is always there. और मंडली हमेशा वहाँ पर मौजूद होती है, Is the congregation of people और वो लोगों की मंडली होती है who are not worthy. जो लोग अयोग्य है, Of this, the world is not worthy of them. और ये संसार उन लोगों के लायक नहीं है, They are the apostles and the martyrs. और वो लोग वो है जो प्रेरित है और जिनका कत्ल किया गया है, जो शहीद हुए हैं। And all I want, I find here. और जो मुझे चाहिए यहाँ पर मुझे मिल जाता है। Such a godly lady, no wonder her song, the song that she composed, is so anointed and और वो बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति थी, और इसमें कोई कोई भी हिचकिचाहट की बात नहीं है, कि कोई आश्चर्य करने की बात नहीं, कि ये उसका जो गीत है बहुत ही अभिषिक्त गीत है। So many people, it helped them to surrender their life to God. और ये गीत ने बहुत सारे लोगों को सहायता की कि वो अपना जीवन यीशु को दे दे। If you look at these words, अगर आप इन शब्दों को देखेंगे, just as I am, जैसी भी मैं हूँ, without one plea, it says, Lord, I am coming. और बिना किसी शिकायत के, Come to you without any thing in my hand. और वो कहती है कि प्रभु मैं जैसी भी हूँ मैं आपके पास आती हूँ, मेरे हाथों में मैं कुछ भी नहीं लेके आती, मैं खाली हाथों से आती हूँ, No explanation, I don't deserve anything. और मेरे पास कोई विवरण भी नहीं है, और मैं किसी चीज़ के लायक भी नहीं हूँ, Only two things are there. और केवल दो चीज़ मेरे पास है, That your blood was shed for me, Lord. एक चीज़ वो है कि आपका खून या लहू मेरे लिए बहाया गया है, Lord Jesus. वो यीशु का लहू, And you are calling me to come to you. और दूसरी चीज मेरे पास ये है कि आप मुझे बुलाते हैं अपने पास आने के लिए, That's the only criterion with which I can come to you. और यही वो पात्रता मेरे पास मौजूद है जिसके द्वारा मैं आपके पास आ सकती हूँ, I have nothing to boast about. और किसी भी चीज मेरे पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है जिस पर मैं घमंड करूँ। And says, "O Lamb of God, I come." और वो कहती है, हे परमेश्वर के मेमने, मैं तेरे पास आती हूँ। In Revelation 5, it says the Lamb in heaven. You see Jesus as a Lamb that was slain. और जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्वर्ग में आप देखोगे कि यीशु एक ऐसा मेमना है जिसको घात किया गया, जिसको मारा गया, That fresh vision of Jesus is always there. और वो यीशु का जो बहुत ही तरोताजा करने वाला दर्शन वो हमेशा मौजूद रहता है वहां पर, Lamb of God who was slain for the sins of the world. और परमेश्वर का मेमना जो इस संसार के पापों के लिए वध किया गया, घात किया गया। And just as I am,
आई एम नॉट वेटिंग टू रिड ऑफ रिड माई सेल्फ ऑफ एनी थिंग इन माई लाइफ। और मैं जैसी भी हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ कि मेरी चीज़ जीवन में कोई चीज़ है या जो मुझे रोक सकती है, मेरी आत्मा या मेरा कोई दाग या जो भी। As I told you earlier, she was waiting to cleanse herself. और जैसे मैंने कहा कि वो पहले मैंने आपसे कहा कि वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, She said, "Lord, I'm coming." लेकिन वो कहती है कि प्रभु अब मैं आती हूँ। Your blood can cleanse every spot. और वो कहती है कि प्रभु आपका जो लहू है या खून है वो मुझे मेरे हर एक दाग को हर एक पाप को मिटा सकता है। O Lamb of God, I come. हे परमेश्वर के मेमने, मैं तेरे पास आती हूँ। And just as I am tossed about with many conflicts. और वो कहती है कि मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत सारे चीज़ों को लेकर विचलित हो गई हूँ या संघर्ष करती हूँ। Just like us, we have lot of conflicts, confusion. और जैसे हमारे हमारे ही तरह हमारे पास कितने सारी गड़बड़ियाँ होती है और बहुत सारे ऐसे परेशानियाँ होती है Uncertainties about the future. और हमारे पास ऐसी मुश्किलें होती है कि भविष्य में क्या है हमें पता नहीं है। Things inside us which we are battling. और हमारे अंदर अंदर के जीवन में, अंदरूनी जीवन में जो बुराई होती है उसके साथ हम लड़ाई कर रहे होते हैं We want to get victory over. और जिसके ऊपर हम विजय पाना चाहते हैं। And there are fears about the coming days. और हमारे अंदर भय भय होता है आने वाले दिनों के विषय में। Yet Lord, O Lamb of God, I come to you. पर वो कहती है कि हाँ परमेश्वर के मेमने, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। And the fourth verse says, और उसका चौथा अंतरा इस प्रकार कहता है, I am coming just as I am, poor, wretched, blind. और जैसे वहां पर लिखा है कि मैं जैसी भी हूँ, गरीब हूँ और मैं अभागी हूँ या अंधी हूँ। It reminds me of that verse in Revelation 3 where Jesus said to the church in Laodicea. और ये मुझे उस बात की याद दिलाता है जो प्रकाशित वाक्य में तीसरे अध्याय में लौदीकिया की जो कलीसिया है उसको जो यीशु ने ये शब्दों को यीशु ने कहा था वो कलीसिया को। You say you are rich, but you actually you are poor. और तू कहता है कि तू धनवान है पर वास्तविक रूप से तो तू गरीब है। You say you can see, but you are blind. और तू कहता है कि तू देख सकता है परंतु तू तो अंधा है। You are wretched. और तू अभागा है। You need healing of the mind. और तुझे अपने मन में चंगाई की जरूरत है। She had a need for that, just like we all do. और उसके अंदर एक एक जरूरत थी जैसे हम सभी की होती है। We say, Lord, I am coming just like that. I am wretched, blind, but I find all that I need is in you. और हम परमेश्वर को कह सकते हैं कि प्रभु मैं गरीब हूँ या अभागी हूँ या अंधी हूँ, जैसे भी मैं हूँ पर मुझे आपकी जरूरत है और मैं वैसे ही आपके पास आती हूँ जैसी मैं हूँ। O Lamb of God, I come. और ए मेरे परमेश्वर के मेमने, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। And fifth verse says, Lord, You'll receive me just as I am. और जो पांचवा अंतरा इस प्रकार से कहता है, प्रभु आप मुझे स्वीकार करेंगे जैसी भी मैं हूँ, वैसी अवस्था में आपके पास आऊंगी तो। You'll welcome me, you'll pardon me, you'll cleanse me, you'll relieve me of all my burdens. और प्रभु कहेगा कि मैं तेरा स्वागत करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तुझे शुद्ध करूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। And I just trust in your promises. क्योंकि मैं तेरे वायदों पर विश्वास करती हूँ। You have said it. क्योंकि तूने ये कहा है। Jesus said, I stand at the door and knock in Revelation 3:20. और प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय के 20वें वचन में यीशु कहता है कि मैं द्वार पर खड़े रहकर खटखटाता हूँ। If you open the door, I'll come in and we'll feast together. और यीशु कहता है कि अगर तू उस द्वार को खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा और हम मिलकर वहां पर एक उत्सव मनाएंगे या एक साथ में मिलकर हम वहां पर भोजन करेंगे। That's the promise that Jesus has given us also. और यही वायदा है यीशु ने जो हम लोगों को भी दिया है। And the last verse is, I come until now, Lord, I didn't know your love. और जैसे आखिरी अंतरा में लिखा है कि प्रभु पहले मुझ जो आपका प्रेम है पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, But now I have come to know your love. लेकिन अब मैं तेरे प्रेम को जान गई हूँ। And your great love that
immense love, like the ocean, has broken every barrier in my life. और अब जो तेरे गहरे प्रेम को जो महासागर के समान है, वो बहुत ही गहरा प्रेम जिसको मैंने अब जान लिया है, अब वो मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसको वो पूरा नष्ट कर दिया है उसने, Broken every barrier down. और वो सारे बाधाओं को तोड़कर मेरे जीवन में चूर चूर कर दिया है, And now I want to be yours and yours alone. और अब मैं केवल आपकी और आपके अकेले केवल आपकी ही होना चाहती हूँ, I don't want any part of me to belong to the world. और मेरे जीवन का कोई भी भाग मैं नहीं चाहती हूँ कि जो संसार का हो। O Lamb of God, I come. हे परमेश्वर के मेमने, मैं आती हूँ। Now I want to say just in closing a little bit to the children who are here. और अंतिम भाग में मैं कुछ बातें जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी। Your children, this is not just for older people. और बच्चों, ये केवल बुजुर्ग लोगों के लिए, अब हम जैसे बड़े लोगों के लिए नहीं है। It's never, you're never too young and never too old to come to Jesus. और आप कभी भी बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं हो सकते हैं यीशु के करीब आने के लिए। You may think, like this lady thought, I'll wait a few years, I'll change a little bit, and then I'll come. और आप जैसे सोचोगे कि जैसे स्त्री के समान, जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अपने आप को बदलूंगी, तब मैं प्रभु के पास आऊंगी। No, this is the right day. Today is the day when you can come to Jesus. नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन आज ही वो दिन है जब आपको यीशु के पास आना है। And you can give your life to Jesus and ask him to take control of your life. और आप यीशु को अपना जीवन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि यीशु, आप मेरे जीवन को नियंत्रण कीजिए। You know, the just like you have a COVID, a virus which is so prevalent in these days. और जैसे हम देखते हैं कि जो कोविड जो विषाणु है इन दिनों में बहुत ज्यादा प्रबल हो रहा है, In universities, there's a virus. और वहाँ पर महाविश्वविद्यालयों में भी वहाँ पे विषाणु है, There's a sickness which all of us who've gone to college have experienced. और हम जो भी कॉलेज में गए हैं हमने इस बीमारी को महसूस किया है या उसका अनुभव लिया है। And that sickness is when you feel that you don't need God. और वो बीमारी यह है कि जब आप ऐसा सोचने लग जाते हो कि अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, You don't need the advice of your parents. और अब मुझे मेरे पिताजी माताजी की कोई सलाह की कोई जरूरत नहीं है, I know everything. और मुझे सब कुछ मालूम है, I want to cut off everything else. और मुझे सब कुछ चीज को मुझे मेरे जीवन से हटाना है, I want to live my own life. और मुझे अपने तरीके से अपना जीवन जीना है। That is the disease of children who But who grown up without giving their life to Jesus. और ये वो बीमारी है उन बच्चों के अंदर जिन्होंने ऐसे वो लोग बड़े हुए हैं, पालन पोषण उनका हुआ है बिना यीशु को जाने बिना। And many have made shipwreck of their lives. और बहुत सारे लोगों का ऐसी नैया डूब गई है ऐसे चीजों के कारण, Because they didn't give their life to Jesus. क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। And Jesus was calling them. लेकिन यीशु उनको बुलाता, जब यीशु उनको बुला रहा था तब उन्होंने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया। Dear children, make this day before you go to university. और प्रिय बच्चों, आप अभी से ये निर्णय लीजिए, जब महाविश्वविद्यालय में जाने से पहले ही Ask Jesus and say, Lord, I want you to be the Lord of my life. और आप यीशु से कहिए कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन के प्रभु बन जाइए, I want to give my life to you और मैं अपने जीवन को आपको देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, so that I won't have any regret. ताकि मुझे आगे चलकर कोई पछतावा ना हो, I won't make any mistakes when I go to the colleges and I hear things. और मैं जब मेरे विद्यालय में जब मैं जाऊंगी तब वहां पर मुझे कोई भी गलतियां नहीं करनी है which are untrue, which जो सच्चाई नहीं है, the devil whispers in my ear. जो शैतान मेरे कानों में आकर फुसफुसाएगा, I want to give my life to you. और मुझे अपने जीवन को यीशु आपको देना है। And to those of us who are adults, और हम में से जो लोग बड़े हैं, सयाने हैं, I always think of this. You know, Jesus said a parable. और मैं इसके विषय में हमेशा सोचती हूँ जो यीशु ने दृष्टांत कहा था In Luke 18. और लूका उसके 18वें अध्याय में About the tax collector and the Pharisee. और वहां पर एक चुंगी लेने वाले के विषय में और एक फरीसी के विषय में कहा गया है जो
दृष्टांत We who have been in the New Covenant churches, we can have the attitude of the Pharisee. और हम जो नई वाचा के कलीसिया में बहुत वर्ष तक रहे हैं, हम हमारे अंदर एक फरीसी वाला रवैया आ सकता है Oh, I've been a good sister. कि मैं एक बहुत अच्छी बहन बनी रही हूँ इस कलीसिया में I brought up my children in a good way. और मैंने अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से मैंने पालन पोषण किया है I've testified. और मैंने गवाही दी है I've experienced some amount of victory. और मैंने कुछ कुछ मात्रा में मैंने विजय का या विजय पाने का अनुभव मेरे जीवन में पाप के ऊपर किया है And like the Pharisee, when you stand before God, you can say, Lord, in the back of my mind, we can think. और हम फरीसी के समान परमेश्वर के सामने खड़े होकर हमारे दिमाग में अंदर ही अंदर हम मन में सोचेंगे You see me? Here I am. I've done this, this, this. I've not done this, this, this. और फिर अगर मन में ऐसे सोचेंगे प्रभु देखो मैंने ये किया है और ये नहीं किया है And we know what Jesus said about that person. और हम जानते हैं उस व्यक्ति के विषय में यीशु ने क्या जवाब दिया Who came in his own righteousness. जो खुद की धार्मिकता को लेकर यीशु के पास आया था He got rejected. और उसको नकारा गया Whereas the tax collector. लेकिन उसके जगह में जो वो चुंगी लेने वाला था He stood far away. He felt so unworthy. और वो बहुत दूर खड़ा होकर उसको उसने अपने आप को अयोग्य जाना Just like this lady felt. जैसे इस स्त्री ने सोचा Even to lift her, his eyes up to heaven. और वो ये सोच रहा था चुंगी लेने वाला कि मैं तो स्वर्ग की तरफ आँख उठाने के भी लायक नहीं हूँ He kept down and he was weeping. और वो उसने अपने सर को नीचे झुकाकर वो रो रहा था He said, Lord, have mercy on me, a sinner. और वो कह रहा था प्रभु मुझ पापी पर दया कर And every day I want to have that attitude. और प्रतिदिन इस प्रकार का रवैया मेरे अंदर मुझे चाहिए Today and every day of my life. और आज और हर एक दिन जो मेरे जीवन का होगा प्रतिदिन Lord, Have mercy on me, a sinner. और मैं ये कहना चाहूंगी प्रभु से प्रभु मुझ पर रहम कर मैं पापी हूँ I come to you just as I am. और मैं आपके पास जैसी भी हूँ वैसे ही मैं आती हूँ Without any plea, without any testimony that I am somebody. और मैं किसी भी चीज को मेरी अपनी योग्यता को या अपनी कोई गवाही को लेकर लिए बिना मैं आती हूँ But that your blood was shed for me, Lord Jesus. और यीशु आपका जो खून है वो मेरे लिए बहाया गया है And if you have called me, और आपने मुझे बुलाया है that's all I have. और यही मेरे पास मौजूद है that's all I want to be. और यही मैं बनना चाहती हूँ बस I come to you just as I am. और जैसी भी मैं हूँ वैसे ही मैं आपके पास आती हूँ आमेन आमेन